ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के नादौर कस्बे के बीचों बीच शिव मंदिर परिसर में राजाओं के समय में स्थापित स्वयं भू शिवलिंग अपने आप आकार में बढ़ रहा है, जिससे लोगों की आस्था बनी हुई है। बता दें, हमीरपुर जिला के नादौर में 450 साल पुराना स्वयं भू शिवलिंग अपनी स्थापना के समय बढ़ता जा रहा है, जो की भगत जनों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। स्वयं भू शिवलिंग की पिंडी साल दर साल जौ के बराबर बढ़ जाती है। हमीरपुर के नादौन कस्बे के बीचों बीच शिव मंदिर परिसर में राजाओं के समय में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग अपने आप आकार में बढ़ रहा है, जिससे लोगों की आस्था बनी हुई है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के नादौन में 450 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग अपनी स्थापना के समय से ही बढ़ता जा रहा है, जो कि भक्तजनों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। स्वयंभू शिवलिंग की पिंडी के साल दर साल जो के बराबर बढ़ती जाती है। मान्यता है कि मंदिर में कोई भी सच्चे मन से कुछ मांगता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। शिवरात्रि पर्व के अवसर पर भी मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मंदिर के पुजारी रमेश शर्मा ने बताया कि शिव मंदिर का संबंध कटोच वंश के समय से है और स्वयंभू शिवलिंग ब्यास नदी के किनारे पर मिला है। उन्होंने बताया कि एक बार राजा को सपना आया था कि महल के पास नदी किनारे पिंडी पड़ी हुई है, जिसकी स्थापना की जाए। उसी समय से पिंडी शिव मंदिर में है और कुछ सालों से पिंडी बढ़ती जा रही है, जिससे पिंडी का आकार काफी बड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि पिंडी को ध्यान से देखने पर कई प्रकार की आकृतियां दिखती हैं, जिससे पिंडी को चमत्कारिक माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो बताया गया है, ये जो स्वयंभू हमारे जो यहाँ पे पिंडी की स्थापना की है, तो ये लगभग 450 साल पुराना है। और ये जो स्थापना है, ये कटोज वंश जो यहाँ पर अंतर में जो राजा हुआ करते थे, ये इनकी स्थापना है। कि इनकी स्थापना यह है कि यहाँ पर एक बार महल में राजा को सपना आया कि दरिया के किनारे कोई पिंडी पड़ी है, आप उसको जा कर के उसकी स्थापना करें। तो फिर अपने राजा ने यहाँ पे सैनिक भेज करके दरिया के किनारे से पिंडी को ले आए, और ले आते ले आते यहाँ पर उन्होंने वो थोड़ा सा आराम करना चाहिए, ले जाते तो वो अपने उसमें रह गए थे राजा के महल में, परंतु यहीं पर आकर के ये स्थापित हुए। और इसके बाद इसकी एक मान्यता, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर साल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल हो तो बहुत बड़ी बात है, परंतु 4 साल के बाद एक तिल के बराबर, जौ के बराबर ये बढ़ती है। अब हम देख सकते हैं कि कभी ज़माने में इसके बराबर ये हुआ करता था, क्योंकि ये तो बाद में जैसे सीमेंट आया है, टायर आया है, पत्थर आया है, तो इसके बार बार वो चढ़ाई करके करके ये आज की डेट में इतना बड़ा स्वयंभू है। इसको हम चतुष्पद लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अगर आप हम इसको ध्यान से देखें तो इसके चतुष्पद लिंग है, जैसे एक गाय के हमारे 4 टांगे होती है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसके चारों कोनों से, परंतु ये ऐसा नहीं, ये तरासा हुआ नहीं, ऑटोमेटिक ही ऐसे है। इसके ऊपर एक स्वयंभू एक लकीर पड़ी हुई है, नीचे एक स्वयं यहाँ पे गणेश जी के यहाँ पे छोटा सा एक सूंड दिखती है, आँख भी दिखता है। अगर इसके अगर मैं कभी बैठ जाता हूँ तो उसके लिए एकाग्र चित्त मन करने के लिए इसमें पूरा शिव परिवार दिख जाता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ, इस प्रभु की ये लीला है आज तक यहाँ पे कोई खाली नहीं है, क्योंकि मैं कर्मकांडी हूँ, सा सब मैं ज्योतिष का वो भी काम करता हूँ। आज तक जो भी आया है, और यहाँ पे मेरे पास जो भी लोग आते हैं, बड़े बड़े दूर से आते हैं, तुम्हारे चंबा से हो गए हैं, शिमला से हो गए हैं, तो यहाँ तक ये मेरी जो लिंक भी है वो विदेशों तक भी लिंक है। मंदिर में माथा टेकने पहुंची महिला ने बताया कि मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है, और बताया कि दुख के समय में मंदिर में पूजा करने से दुख दूर हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने से लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। मैं तो जब से गुवारी हूँ, मैं तब से आ रही हूँ, और इसमें तो मुझे इतने अनुभव है ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अभी मैं आई हूँ ना, तो मुझको भी ये पता नहीं था कि मुझे आप लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अपने मैं मायके आती हूँ ना, अपने मायके में जाऊँ या ना जाऊँ घर,
पर भाई ये इसको मैं अपना घर समझती हूँ, क्योंकि मैं जितने दुख से मैं निकली हूँ ना कि शायद ही कोई निकला हो, ठीक है ना। और मतलब कि मेरे को पल पल साथ दिया है भोलेनाथ ने। और एक बार मैं बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गई थी, कि मेरे को समझ लो कि कोई नेगेटिविटी थी, तो मेरे को सपन में ये दर्शन दिए बाबा जी ने, तो ये मेरे को पिंडी रूप में दिखे और आगे ऐसे सांप जैसे नाचता हुआ दिखाई दिया। तो फिर मेरे को धीरे धीरे यहाँ आस्था मेरी बढ़ती गई। और अगर आप पिंडी पे देखोगे ना, तो आपको गणेश जी साक्षात दिखेंगे ऐसे सुंद के रूप में, भोले बाबा के दर्शन होंगे, माता के दर्शन होंगे आपको, पर वो आँख चाहिए आपने देखने के लिए। और ये हर साल के बाद एक तिल के बराबर बढ़ते हैं, ठीक है। और 400 साल पहले मतलब इनकी जो है वो ये निकले थे, भू शिवलिंग है, ठीक है। और बोलते कि 1000 शिवलिंग की पूजा कर लो और ये एक भू शिवलिंग की पूजा कर लो, एक बराबर है। तो मुझे और कोई मायने नहीं रखता है माइके में, बस इधर मैं जरूर आती हूँ। अभी भी आई हूँ मैं, तो मैंने अपना चाय पानी सब कुछ छोड़ के यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर आई हूँ। और इतनी श्रद्धा से करती हूँ कि मुझे यहाँ आना होता है तो मुझे पिछले दिन ही यहाँ के सब कुछ स्वरूप सब हर चीज़ दिखती है। एक विश्वास है, ठीक है, ये विश्वास होता है, ये अंतर से होता है। और मुझे नहीं था पता कि आप लोग आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मुझे आपने शायद भोले बाबा ने मेरी परीक्षा लेनी होगी, ठीक है, ये मेरे मुँह से अनुभव कराना होगा। फिर जैसे मैं लिखती भी हूँ, जैसे भोलेनाथ के ऊपर मैंने लिखा भी है कि मैंने लिखा है, जब मैं बड़े दुख से निकली थी, कि हे मेरे भोलेनाथ, तू माटी के ढेर से इंसान बनाता है, फिर इंसान को तू उसी माटी में मिलाता है। हे मेरे भोलेनाथ, तू ये क्या खेल रचाता है जिसे कोई समझ नहीं पाता है, पर हे मेरे भोलेनाथ, हम समझ चुके हैं तेरे इस खेल को, तभी तो हमें तुम्हारे सिवाय कोई और नज़र नहीं आता है। जिस तरफ भी नज़र उठा के देखूँ, उस तरफ मुझे बस तू ही तू नज़र आता है। जिसने दुख से मैं निकली हूँ, तूने हर दुख में मुझे अपना अनुभव कराया है, तभी मैं और हर दुख से निकाल के तूने मुझे वो सुख का अनुभव करवाया है। सच में मेरे भोले बाबा, तू विषधर है, सच में तू नीलकंठ है, सच में तू महान है, और दुखियों की तू हर दुख को मिटाता है, तभी तो तू देवों का देव महादेव कहलाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर में स्थापित पिंडी की पूजा निरंतर करने से हर मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने बताया कि कटोच वंश के राजाओं के समय से पिंडी की पूजा लोग करते हैं और अब ये पिंडी का आकार 4 साल बाद बढ़ता जा रहा है। हुआ क्या था जी, एक बार क्या हुआ कि मैं इनकी सेवा में लगा हुआ था, जब मैंने शिवलिंग का नाक साफ करने लगा तो नाक के 3 टुकड़े हो गए थे। 3 टुकड़े होने के बाद मैंने देखा कि ये तो यार नाक फट गया, अब ये नाक रिपेयर करवाना पड़ेगा। मैं उसको वेल्डिंग की दुकान पे ले गया, वेल्डिंग की दुकान पे मैंने उसको नाक को वेल्डिंग करवा के एंड सेट करके रख दिया, और मुझे अपने काम बस जाना पड़ा। और मैं भूल गया कि मैंने नाक को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अचानक मैं अपने काम से भागा हुआ आया और मैंने क्या किया, जैसे हिलाया था वैसे ही ऊपर चढ़ा दिया और अपने काम में बिजी हो गया। इतने में मुझे एक हफ्ता और सपने में सांप आते दिखाई दिए। मैंने बोला अब ये कौन सा दृष्टांत है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और कोई ठीक 8-9 दिन के बाद मुझे सांप ने काट लिया घर पे लेटे लेटे ही बिस्तर पे। और मैंने सांप पकड़ा, जिंदा ही खुद हाथ से पकड़ा और दरिया में छोड़ाया, और मेरे को ये लगा कि मेरे को तो काटा ही नहीं है। और ठीक 9 बजे मैं, ये काटने का समय होगा कोई सुबह 5 बजे का, और ठीक 9 बजे मैं अर्ध चेतना में चला गया। फिर मेरे को यहाँ मेरे घर वाले मेरे को ले गए चेले के पास, जो यहाँ के गुरु होते हैं, उन्होंने मेरे को वो नागमणि लगाई, वो बिल्कुल चिपक गई, फिर मेरा जहर नहीं उतर रहा था। तो उन्होंने बोला, वो खुद खेले गुरु जो है, उन्होंने बोला कि आपने देवता के साथ, किसी देवता के साथ शरारत की है, गलत काम किया है। फिर तब मुझे याद आया कि नहीं, मैंने वो भोले बाबा के नाक के साथ ऐसा किया, ना तो मैंने उनका पूजन किया, ना उनको धुलाया, ना माफ़ी मांगी, और मैंने चढ़ा दिया। मुझे उसके बाद ले गए टांडा हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं 3 दिन रहा, बड़ी मुश्किल से बचा। फिर आते ही मैंने यहाँ पे माफ़ी अर्चना मांगी, तब जाके मुझे वो नाग देवता आने जो आते हैं सामने वो बंद हुए। 45 दिन अगर कोई भी रेगुलर इस मंदिर में पूजा अर्चना करेगा तो उसकी जो भी मन की मुराद है वो पूरी होगी ही होगी, 100%। हाँ जी, ये जो मंदिर है कटोच वंश, ये राजाओं ने बनाया था। ये उस समय बनाया था कि राजा को स्वप्न में दिखाई दिया कि दरिया किनारे पहले नदी साथ में बहती थी, इस मंदिर के साथ में। तो उन्होंने अपने सैनिक भेजे, तो सैनिकों ने बोला कि वहाँ पे एक शिवलिंग है। फिर वो राजा ने उसकी परवाह नहीं मारी। फिर दूसरी बार राजा को फिर स्वप्न आया, फिर राजा खुद आए इधर,
जब उन्होंने देखा कि वाकई ही शिवलिंग है और मुझे स्वप्न में आ रहे हैं, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर हर 4 साल के बाद तिल के बराबर बढ़ता है और ये खुद हमारे सामने प्रत्यक्ष है, हमने देखा है। जब हम छोटे थे तो ये थोड़ा सा हम, अभी मेरी उम्र 50 साल है तो मैं अपनी 10 साल की उम्र की बात करूं तो मैं उस हिसाब से बताऊं तो कम से कम ही आधा फिट बड़ा है। हम तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। तार कसुर नामक असुर एक ब्रह्मा से वर पा, जालल कारा इंद्र देव को स्वर्ग लोक में आ। उसके आगे देव सभी जब स्वर्ग छोड़ भागे, वंदन करते खड़े हुए जा ब्रह्मा के आगे। इंद्र देव बोले भगवन हम पे संकट आया, आपके ही वरदान से तार कसुर है गरवाया। गर्व नष्ट हो उसका कोई ऐसा जतन करो, हो जाए ये नष्ट असुर भगवन कुछ यत्न करो। ब्रह्मा जी सब देवों को एक युक्ति बतलाते हैं, हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं।